अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय का जो दो विधेयक अपन ने डाले हैं और उपज को सही दाम, ये सबसे महत्व की बात मांग रही। सब्सिडी और कर्ज मुक्ति बाद में आती है, पहले उपज को सही दाम दो। कोई ठीक नहीं मांगते, हम हमारा हक मानते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मानते। तो हमने जब हिसाब लगाया और वो हिसाब आप जानते हैं, स्वामीनाथन आयोग की बात प्रमिला ताई ने उठाई, लेकिन उससे आगे जाकर अपने को हर बार ये जाहिर करना चाहिए कि लागत का हिसाब हम लोग परिवार जनों के श्रम मूल्य के साथ ही लगाएंगे, CF2 अन्यथा नहीं। और जब ऐसा हिसाब लगाते हैं आज की कीमतों के आधार पर, तो सोयाबीन और कपास को 9 से 10 हजार रुपया क्विंटल मिलना चाहिए और गेहूं को 3 से 3,500 रुपया क्विंटल मिलना चाहिए। मकाई का भाव भी उसी जगह उसी समान होना चाहिए। आज हमारे यहाँ मकाई 600 और 800 रुपया क्विंटल से बेची जा रही है। क्यों ले ले मकाई और क्यों खिलाए किसी को मकाई की रोटी, जब लॉकडाउन में 2 रुपया केला बिका किलो, 2 रुपया में टमाटर बेचा गया। हमारे कई किसान जो उदार है क्योंकि आंदोलनकारी है, 35 साल हुए आंदोलन को, हजारों ने अपनी जमीन के बदले जमीन दी है, फिर भी चालू है संघर्ष बचे हुए कुछ लोगों, लेकिन उन्होंने अपने बगीचे खड़े खुले कर दिए। हमने कहा कि आप व्यर्थ मत करवाइए, खुले कर दीजिए, गरीबों को ले ले दीजिए। ये सामाजिक कार्य का आंदोलन का एक हिस्सा बन गया कि कौन किसान ऐसे है कि जो 2 रुपए किलो में अगर केला नहीं बेच सकते, अगर वो वहां से मध्य प्रदेश से जयपुर जाए तो जयपुर का व्यापारी से जब जब मैंने बात की, वो कहे भाई बहन जी अब खरबूजा 22 रुपया में मैंने कल खरीदा, लेकिन आपकी गाड़ी यहाँ पहुँचने तक मुझे पता नहीं कि 10 रुपया में खरीद भी पाऊंगी। तो हमारे सभी किसानों ने तय किया नदी किनारे के खरबूज को हम बेचेंगे नहीं, हम वही के वही बाजार पहुंचे। आज ये MSP का कोई मतलब ही नहीं रहा, ऐसी स्थिति होते हुए ये नया कानून अब जितना भी थोड़ी निगरानी और थोड़ी सुरक्षा थोड़ी रक्षा की उसको भी खत्म करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग अगर यहाँ दूर से सुनते होंगे, यहाँ आने की हिम्मत नहीं होगी मेरी, लेकिन अगर सुनते होंगे तो उनको मैं बताऊं कि हमारे 1 नंबर मंडी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के किसान, पर उन्होंने आंदोलन को कभी कम नहीं लिया, पार्टी के ऊपर घाटी ऐसा हमारा नारा रहा है, नर्मदा घाटी। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं आज एक ही बात कह सकती हूँ कि मेरी मंडी बचने वाली नहीं। तो जब ये बात आती है कि कानून पर चर्चा विचार करने न देते हुए, लोकसभा की प्रक्रिया न चलने देते हुए, जनतंत्र में जनता पर लाठी उठाते हुए जब ये कानून थोपे गए, पर किसान जब एकता के साथ उतर आए, पंजाब हरियाणा को हम सलामी करते हैं, पर तमिलनाडु के किसान, हमारे मध्य प्रदेश के किसान, कर्नाटक के किसान, जगह जगह राज्य राज्य में गुजरात के किसानों ने पिछले साल कितना बड़ा आंदोलन पेप्सिको कंपनी के खिलाफ, लेकिन ये जब किसान उतर आए अपन सपने 9 अगस्त को क्रांति दिन के साथ किसान मुक्ति दिवस भी मनाया, सैकड़ों सैकड़ों की सभाएं हमने 8 जगह एक ही दिन में की, तो हम समझ गए कि मोदी जी को हर मंत्री से, राजनाथ सिंह जी से, नरेंद्र तोमर जी से, निर्मला सीतारामन से सबसे ये कहलवाया पड़ा, जो अन्यथा अपने मन की बात करते हैं कभी जवाब नहीं देते, हमारे मन की बात उनके कानों की बात नहीं होती। लेकिन उन्होंने हर एक से जवाब दिया कि मंडी तो बनी रहेगी, बनी रहेगी पर कितने दिन। आप जब बाजार खोलते हैं तो शासन की व्यवस्था बंद होती है, यही तो वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण ने, कंपनीकरण ने, निजीकरण ने हमको, और यही होने जा रहा है। जैसे बाजार खुलेगा मंडी खत्म होती जाएगी, आज ही मंडी खत्म होने आई है ऐसा दाव किया है व्यापारियों ने की और मंडी की समितियों ने।
भ्रष्टाचार की बात वहाँ है तो कहाँ नहीं है भाई। हम तो किसान मंडी के भ्रष्टाचार की बात उठाते ही है। हम कहा कहते हैं कि भ्रष्टाचार जैसा है चालू रखो, अब उसका नाम लेकर ही अत्याचार करने जाते हैं, जिसको अपन नामंजूर करते हैं। और इसीलिए ये कानून का भी हम जितना धिक्कार करें कम है, और ये कानून को भी वापस करवाने के लिए हम ताकत लगाए उद्योग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात भी आपको मालूम ही है, मैं कोई आपका प्रशिक्षण लेने के लिए नहीं आई हूँ, पर दूसरे जगह के अनुभव सबसे पहला हमने अनुभव पढ़ा सुना देखा तो पंजाब का, जब पेप्सी ने आलू की बात की, और अभी अभी पेप्सी को ने गुजरात में जब आलू उत्पादकों को फंसाया तो बहुत बड़ा गुजरात में आंदोलन चला पिछले साल, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये अगर कहते हैं कि हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती तो किसी की नहीं करते हैं, पर ये ऐसी रणनीति बनाते हैं कि एक प्रकार की जबरदस्ती हो जाए। और इसीलिए अब ये चौखट बनाने वाले हैं, नीति नियम बनाने वाले हैं, और कंपनियों को खेती क्षेत्र में अपने गेट खोल कर प्रवेश देंगे। चौटाला जी, क्या आपको प्रवेश नकार कर अंबानी अडानी को, जिंदाल मित्तल को, टाटा बिरला को प्रवेश देने वाले हैं? खेती आरोप के नुमाइंदे बनकर जो चुनाव लड़े और जीते, हम आज भी देवीलाल चौटाला जी को भी याद करते हैं, चौधरी चरण सिंह जी की तो बात ही अलग है। लेकिन आज अगर उनके परिवार जनों में से एक होकर भी न उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, न आपके साथ वोट लेने के बाद बैठ रहे हैं यहाँ आके, तो फिर दुष्यंत चौटाला जी की कुर्सी भी कितने समय बचेगी, ये हम भी देख रहे हैं, आप भी देखेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे। क्योंकि ये एक बार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आगे बढ़ाई तो फिर कंपनियां पीछे रहने वाली नहीं है, और वो लालच देकर ही अंदर घुसती है हर जगह पर। शिक्षा क्षेत्र में क्या उधम मचा के रखा है, जो बिरला अंबानी को शिक्षा नीति का मसौदा पहले बनाने का काम पिछली केंद्र सरकार ने दिया था, वो आज और आगे बढ़कर अब ऑनलाइन ऑनलाइन के नाम पर कंपनी लाइन का शिक्षा चलने वाली है। हमने तो साथियों हमारी गौशालाएं चलती है, हमने ऑफलाइन खोल दिया था कि हमारे बच्चे आदिवासी क्षेत्र के, किसान क्षेत्र के, कभी भी ऑनलाइन शिक्षा नहीं ले सकते थे। और ऑनलाइन शिक्षा से कभी भी जो हमें मूल्य देना है, जो प्रकृति से हमारी अगली पीढ़ी को जोड़ के रखना है, वो सब बातें जो गांधी जी ने कही थी, वो बाबा साहब ने कही थी, जो लाला लाजपत राय ने कही थी, वो कभी भी हासिल नहीं होने वाली है। और इसी प्रकार से अब खेती के क्षेत्र में वो आएंगे तो उनके ऐसी ऐसी खेती, ऐसी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलेगी कि पहले तो किसानों को लगेगा कि अरे बहुत ज्यादा मिलने वाला है, लेकिन वो ज्यादती के ही साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त करेंगे। भूमि छीनने का ये एक नया कानून है। और इसलिए साथियों, जो भी भ्रमित करने का प्रचार चालू हो, आपने पूरी समझदारी के साथ, हिम्मत और कटिबद्धता के साथ यहाँ बैठना किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सुना है कि 7000 गांवों का हरियाणा यहाँ अभी क्रॉस कटिंग के एक्सपेरिमेंट करने के लिए इनके पास कृषि अधिकारियों की भी पर्याप्त संख्या है, तो वो भी नहीं कर सकते। और प्रोक्योरमेंट अगर करना है, तेलंगाना एक ही राज्य है जिसने जाहिर किया कि हम पूरा उपज खरीदेंगे, लॉकडाउन के समय में भी उन्होंने किया। बाकी चंद्रशेखर जी बहुत गलत करते हैं तो हम उनके सामने सवाल करते हैं, शहरी गरीबों के साथ कभी और कृष्णा नदी के किनारे के लोगों के साथ, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी भलामन करनी चाहिए। लेकिन सरकार अगर खरीदने वाली है तो क्या उनके पास ये व्यवस्था तैयार है? इनका ध्यान ही नहीं है जो होना चाहिए, जिस पर ध्यान, जिसमें पैसा लगाना चाहिए, इस पर अगर इनका ध्यान ही नहीं है। इनका ध्यान सब उद्योगपतियों को निमंत्रण देकर न्योता देना के बात पर है, तो फिर आपने जो आंदोलन छेड़ा है वही आंदोलन हर राज्य में छेड़ना आज जरूरी है। ये कहते हुए कि कुर्सी चुनो या किसान चुनो, आपकी मर्जी, और फिर हम करेंगे हमारे वोटों की तरजीह।
ये बात बहुत महत्व की है। हम सब जगह देखते हैं कि मंडी के अंदर न्यूनतम व्यवस्था नहीं है। मैंने हरियाणा की मंडियां तो नहीं देखी, पर रात भर किसान अपने बैलगाड़ियों में अपने ट्रैक्टर में भरकर जब कपास लाते हैं, और आज तो हमारे क्षेत्र की बहुत जमीन जो भू अर्जित नहीं थी वो डूब गई, अब हम उसके पीछे पड़े हैं। भीगी हुई कपास बोट में जाकर निकाली तो 500 रुपये क्विंटल बेची गई, 500 रुपये क्विंटल। रोने के लिए आंसू भी नहीं है, सब नर्मदा में बह गए जो ऐसे पड़े लोग जिनको डूबना नहीं था पर डुबाया गया। तो ये बहुत प्रकार से किसानों पर आक्रमण अतिक्रमण होता है, लेकिन जहाँ लड़ते हैं वहाँ जीतते हैं। बस मैं आखिरी मुद्दा यही कहकर रुक जाऊंगी कि जब ये भू अधिग्रहण कानून जो 2013 में लाया, जिसका मसौदा बनाने के लिए हम बैठे, कुछ भी कहो कांग्रेस की सरकार यूपीए सरकार जब थी तो संगठनों की प्लानिंग कमीशन में सुनवाई होती थी, चर्चा और संवाद होता था, कौन नहीं बैठता था हमारे साथ, लेफ्ट पार्टीज के लोग भी बैठते थे, किसान यूनियन के लोग भी कांग्रेस के साथ टिकट के साथ जाकर चर्चा करते थे, हम जन संगठनों के साथ ही जल जंगल जमीन पर चर्चा करते थे। लेकिन आज कोई संवादशीलता नहीं है, संवाद खत्म हुआ है और संवेदना खत्म हुई है। तो वो अधिनियम वो कानून जो लाया उसमें फिर 2014 के बाद तत्काल 3 अध्यादेश लाए थे, बस ऐसी ही हकीकत है, इसलिए उदाहरण दे रहे। लेकिन हम सब लोगों ने भूमि अधिकार आंदोलन 300 संगठनों का बनाया, जिसमें बहुत सारे किसान आए थे, गुड़गांव के आए थे, राजस्थान के आए थे, नवलगढ़ के आए थे, कंजावाला के आए थे, सोनीपत के आए थे, हम नर्मदा से आए थे। हमने लाखों लोगों से, कभी हजारों कभी लाखों से संसद मार्ग 3 बार किया, 3 अध्यादेश मंजूर होते हुए भी वापस करवाए। मुझे लगता है कि आज यही समय है जबकि किसानों ने अपनी गैर बराबरी से, अपनी कर्जदारी से, अपनी हकदारी से शुरुआत करते हुए ये मुद्दा उठाना चाहिए कि आज अगर आप ये 3 कानून वापस नहीं लेंगे तो हम दिया हुआ वोट भी वापस लेंगे, नया वोट तो नहीं ही लेंगे। आपने दुष्यंत चौटाला जी को जो चुनौती दी है उसका जवाब तो क्यों नहीं दे रहे? अगर हिम्मत है तो वो भी सामने आते, यहाँ आकर यहाँ आते, कई जनप्रतिनिधि कहकर ही तो कुर्सी लेते हैं, यहाँ आते और खुले चर्चा करते, अगर उनका कुछ अलग कहना है तो बताते और आगे का आश्वासन देकर जाते, जिसकी उनको आदत होती है, पर आज वो भी करने की हिम्मत वो नहीं रख रहे। आप लेकिन समझ लीजिए कि MSP चालू रहेगी, मंडी चालू रहेगी और MSP 2.5% से बढ़ेगी, ये सभी जो घोषणाएं हुई है वो आपके आंदोलन की करामत है, नहीं तो वो मुंह नहीं खोलते हमारे साथ। लेकिन आज उनको जवाब तो देना पड़ा है। संघर्ष के बिना रास्ता नहीं है, और JJP जैसी पार्टी जो आज भी देवेंद्र चौटाला जी का नाम लेती है, भाई चौधरी चरण सिंह का भी नाम लेकर उतरी होगी चुनाव में, आप ज्यादा जानते हैं। मैं तो जब भी रेवाड़ी आई या कहीं आई तब यही देखा कि हरियाणा के किसान समझदारी तो बहुत दिखाते हैं पर वोटदारी में गड़बड़ होती है, और वो शायद हो गई इस मुद्दे पर भी। चलो जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज अभी इनको ही नहीं, नीतीश कुमार जी को और अनेक को सवाल करके पूछना चाहिए कि क्या आप किसानों के साथ है या कुर्सी के साथ। मैं बिहार के लोगों तक चुनाव के मद्देनजर आपका ये सवाल जरूर पहुंचा दूंगी, वो तो राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाली जनता है और वो जरूर जोर से सवाल खड़े करेंगे। और जब तक दुष्यंत चौटाला जी और उनकी पार्टी आपको जवाब नहीं देगी, जबकि अकाली दल ने जवाब दे दिया तो उनकी वाहवा हो रही, हर सिमरत कौर, उनकी भी वाहवा हो रही,
महिला शक्ति का वो प्रतीक बन गई है। तो दुष्यंत चौटाला जी, आप किसान शक्ति का प्रतीक बनना चाहते हैं या मोदी शक्ति का प्रतीक बनना चाहते हैं, आप तय कर दीजिए। जवाब आज आप देंगे या नहीं देंगे, कल आपको आपके मतदाता किसान अन्नदाता जवाब देने वाले हैं। यही चेतावनी आपकी तरफ से लेकर आपको बता देती हूँ। फिर से वही नारा लगाती हूँ, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान। मैं आपको ऐलान करती हूँ कि आप मजदूरों को छोड़कर किसानी जीवता नहीं रह सकती, ये समझकर और ताकत आज भी एक एक गांव में 60% मजदूरों की है देश के अलग अलग। तो आप उनको भी साथ लेकर ही ये आंदोलन और सशक्त बनाइए। और आखिरी पर सबसे महत्व की बात, महिला शक्ति के बिना आंदोलन कहीं भी सफल नहीं हुए हैं, ये हमारा अनुभव है। हमारी महिला जब निकलती है बड़ी रैलियों में, तो यहाँ से वहां तक जब पेंडोल लगा रहता है, भाइयों को बैठने की जगह नहीं, क्यों हंसराज, भाइयों को बैठने की जगह ही नहीं मिलती है, क्योंकि रैली में पहले महिला चलती है और वो आकर बैठ जाती है तो पेंडोल भर ही जाता है। तो 2/3 ताकत महिलाओं के आंदोलन में, और जनसंख्या में हमारी 50% ताकत तो है, अभी तो सबकी भ्रूण हत्या नहीं हुई है। तो आप महिला शक्ति की ताकत देकर ही साथ में चलेंगे, ये अपेक्षा करती हूँ। अगली बार आऊंगी तब महिलाएं आगे बैठी रहेगी, ये मानती हूँ। उनके साथ प्रमिला बहन, विद्या बहन, सरिता बहन, गीता बहन, भारतीय किसान यूनियन की नेत्री, सभी साथ में होंगे तो आप आंदोलन जीतेंगे जरूर। पर उसके लिए एक नारा जो उस समय के नव निर्माण आंदोलन का था, आज वैसे ही नव निर्माण का समय आया, इसलिए एक नारा और भी देती हूँ, देश बचाओ देश बनाओ। और नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। देश बचाओ देश बनाओ, देश बनाओ, बनाने वाले अभी को देश बचाओ देश बनाओ, देश बचाओ देश बनाओ। और नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। आप कहेंगे तो महत्व है, ये तो कहेंगे, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है, नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधूरा है। इसीलिए तो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय की तरफ से मैंने सोचा कि महिला सदस्य प्रतिनिधि में जाना चाहिए। आप सब लोगों को सलाम करते हो, जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। नर्मदा किनारे से ही आया हुआ ये नारा है, आप सब लोग दे रहे हैं, इसलिए आपको जिंदाबाद।